नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, तो उसी संबंध में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल दीपेश गौर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी भी दीपेश गौर परिवार के सदस्य बन सके। तो चलिए दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग विभाग में जो जो भर्ती निकली उसके संबंध में विस्तार से हम जानकारी दे देते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सब विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला शहडोल में ये वैकेंसी निकली है। 28/8/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था दोस्तों। आयुक्त जनसंपर्क विभाग विज्ञापन शाखा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल विषय रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित करने के बाद, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, कलेक्टर वंदना बेद कलेक्टर जिला शहडोल के कलेक्टर जो हैं, तो यहाँ पर हम जैसे ही वैकेंसी की तरफ चलते हैं तो हम कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला शहडोल मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 4/2/2015 में पत्र क्रमांक 1302 वगैरह वगैरह ठीक है, भोपाल दिनांक 23/8/2023 द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु जिला पुनर्वास केंद्र में आवश्यक हेतु सेटअप पदों की संविदा पद पर एक वर्ष की नियुक्ति की जा रही है। इसकी लास्ट तारीख है 15/9/2023 तक, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक मतलब ऑफलाइन आवेदन तो होगा, आपको पोस्ट के माध्यम से वहाँ पर भेजना होगा। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी की, शैक्षणिक पद की कितनी पद है, मानदेय कितना है, पद कौन सा है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लिनिकल साइटोलॉजिस्ट पुनर्वास मनोचिकित्सक, यहाँ पर आप न्यूनतम योग्यता देखते हैं जिसमें आपको 20,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट तो इसमें आपको 20,500 दिया जाएगा। सीनियर ऑर्थोलॉजिस्ट तो इसमें भी आपको 20,500 रुपये दिया जाएगा। सीनियर स्पीच इसमें भी आपको 20,500 रुपये ही दिया जाएगा और यहाँ पर 16,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच थेरापिस्ट इसमें आपको 16,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसके सभी के पद एक एक हैं दोस्तों ठीक है। और यहाँ पर टोटल 15 पदों पर भर्ती निकली है, 15 अलग अलग पोस्ट हैं ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी इंटेक्चर में आपको 14,500 रुपये दिए जाएंगे, मल्टीपज में आपको दिए जाएंगे 14,500, अकाउंटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर में आपको 14,500 इसमें भी दिए जाएंगे दोस्तों ठीक है। और असिस्टेंट कम फ्यून कम मैनेजर में आपको 9,500 दिए जाएंगे, इसमें योग्यता आपको केवल 10वीं 8वीं पास है। वेकेशनल काउंसलर में आपको 14,500 रुपये दिए जाएंगे, ट्रांसडिप्टनर स्पेशल में आपको 16,500 रुपये जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको दिए जाएंगे 18,500 रुपये वो सॉरी 18,000 रुपये। और चौकीदार की एक और पास है जो कि कलेक्टर दर पर है, 8वीं पास होना चाहिए, तो उसमें आपको 8,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। नियम एवं शर्तें यहाँ पर आप देखने की, केवल एक वर्ष का ये आपका जो जॉब है वो रहेगा, एक वर्ष का अनुबंध रहेगा। आयु सीमा 1/1/2023 के अनुसार 18 वर्ष एवं अधिकतम शासन के नियमानुसार होगी। संविदा पर नियुक्ति विषय विशेषज्ञ कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको डाक द्वारा भेजना है। 6वां पॉइंट देखिए, आवेदक को आवेदन के साथ अपना पूर्ण पता लिखा हुआ रजिस्टर्ड डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना होगा। आपको किस पते पर भेजना है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर रहना होगा, चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों का पालन करना होगा, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा ठीक है। इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया जिला दिव्यांग कल्याण तथा विकास समिति द्वारा मेरिट पर एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है, अंतिम तिथि 15/9/2023। उक्त दिनांक तक आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण शहडोल में शाम 5 बजे तक स्वयं अथवा डाक के माध्यम से किए जा सकते हैं। दिनांक 15/9/2023 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर
विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सामाजिक एवं न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण सैडोल में संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन पत्र भी दिखना होगा, इसका आप प्रिंट लेकर इसमें संपूर्ण जानकारी भरने के बाद डाक पोस्ट माध्यम के, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि उस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी देने के बाद अपना संपूर्ण पता लिखने के बाद भेज देना है। किस पते पर भेजना है वो भी हम आपको बता देते हैं। सभी कंप्लीट करने के बाद कलेक्टर कार्यालय आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला शहडोल के नाम से ये भेजना है। पिन कोड आप नेट से निकाल कर इसमें डाल देना, ठीक है। ऐसे ही भर्ती वो सभी लगभग सभी जिलों में निकलने वाली, तो जैसे ही जैसे हमारे पास अपडेट आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।